पहले बार हम अच्छे तो अपन आज इस वीडियो में हम लोग एक ड्रिल मशीन जो देखिए ये जो ड्रिल मशीन है ये जब पावर सप्लाई हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट चल रहा है, यहाँ पर सुई देने के पहले ही यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर करना है वही हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर यही ड्रिल मशीन में प्रॉब्लम है। तो ये जो ड्रिल मशीन है ये ड्रिल मशीन 350 वाट का ड्रिल मशीन है और यहाँ पर 1.5 एम से 10 एम तक आप बीट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस ड्रिल मशीन का फुल रिव्यू का वीडियो हमने इस चैनल में ऑलरेडी दिया है, तो वो देखना है तो ऊपर हमें मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्विच दिया गया है, ये स्विच लॉक करने के लिए यहाँ पर ऊपर की साइड में एक बटन दिया गया है, तो ये प्रेस करके आप लॉक कर सकते हैं। और ये जो ड्रिल मशीन है ये ड्रिल मशीन का जो प्रॉब्लम है ये स्विच हम लोग नहीं दे रहे फिर भी यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्विच देके यहाँ पर लॉक कीजिएगा तो ये डायरेक्ट चलेगा, यहाँ पर स्विच देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, फिर भी यहाँ पर चल रहा है। तो यही प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 mm तक यहाँ पर बीट यूज़ कर सकते हैं, तो ये छोटा वाला है और यहाँ पर चौक के ऊपर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर 1.5 mm से 10 mm तक आप यहाँ पर बीट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको छोटा मोटा काम करना है तो इस ड्रिल मशीन से हो जाएगा। और आपको ये जो ड्रिल मशीन है जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर पावर सप्लाई आपको देना होगा, तो हमने यहाँ पर स्विच बोर्ड ले लिया है, तो यहाँ पर हम लोग पावर सप्लाई दे देंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट चल रहा है तो इसलिए हमने ड्रिल मशीन एक हाथ से हम लोग पकड़ के रखेंगे। अभी यहाँ पर हमारा जो स्विच है स्विच हम लोग यहाँ पर देंगे, यहाँ पर ड्रिल मशीन का स्विच हम लोग ऑन नहीं किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट पावर सप्लाई हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ पर ड्रिल मशीन चल रहा है, तो ड्रिल मशीन का जो स्विच है वो स्विच एकदम यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको पूरी तरह ये ओपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइप का जो ड्रिल मशीन है ये पीछे की साइड में यहाँ पर जो स्क्रू दिया गया है इसको ओपन करने के बाद ही यहाँ पर जो कनेक्शन वगैरह है इस स्विच का कनेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर चार स्क्रू दिया गया है, तो चार स्क्रू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर टापरिया का जो सॉकेट सेट है ये हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ये जो सॉकेट सेट है ये सॉकेट सेट का फुल रिव्यू का वीडियो हमने इस चैनल में दिया गया है, तो वो ऊपर में लिंक आपको मिल जाएगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर भी आप लोग इस जो टापरिया का सॉकेट सेट है इस सॉकेट सेट का रिव्यू का वीडियो आप देख सकते हैं। अभी इस टापरिया का सॉकेट सेट का जो प्राइस है 2000 दिखा रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं और उस लिंक से आप बाई भी कर सकते हैं। तो इस ड्रिल मशीन का नीचे साइड में ऐसे ओपन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारा कनेक्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा और आपको मोटर में कोई भी प्रॉब्लम है तो सामने की तरफ आपको ओपन करना पड़ेगा। तो हमारा जो इस स्विच में ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्विच देने के हम लोग स्विच यहाँ पर नहीं दे रहे फिर भी यहाँ पर चल रहा है। तो अच्छी तरह से आप कनेक्शन वगैरह आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दो कनेक्शन जो मेन हमारा पावर सप्लाई आया है वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टास हो जा रहा है, एक नीचे की साइड में एक वायर जो है ये डायरेक्ट यहाँ पर टास हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर डायरेक्ट चल रहा है। तो अच्छी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर स्लिप वगैरह एक में दिया गया है और एक में यहाँ पर स्लिप नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग स्विच नहीं दे रहे फिर भी यहाँ पर चल रहा है। तो अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए एक वायर जो ब्राउन वाला जो है वो यहाँ पर स्लिप यहाँ पर दे के यहाँ पर अंदर की तरफ चला गया है, ये देखिए ये अंदर की तरफ चला गया है। और दूसरा जो वायर है वो वायर यहाँ पर स्विच होके यहाँ पर अंदर की तरफ गया है, तो स्विच होने के पहले ही यहाँ पर टूटा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर स्विच होके यहाँ पर अंदर की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्लिप वगैरह नहीं है, यहाँ पर जो वायर है वायर डायरेक्ट यहाँ पर लग जा रहा है, तो ये स्विच में कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर स्विच देने के पहले ही यहाँ पर हमारा जो ड्रिल मशीन है चल रहा है। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आप काट के फिर यहाँ पर अच्छी तरह से स्टेप वगैरह आप लगा दीजिएगा तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा।
अभी देखिए यहाँ पर हमने दो वायर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट हुआ है और यहाँ पर जो वायर ख़राब है तो हमने यहाँ पर काट लिया है। अभी यहाँ पर भी हम लोग अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, क्लीन करके यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये रहा वायर जो स्विच में इनपुट हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर लेंगे तो हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी जो वायर में हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, तो हमने लगा दिया है। यहाँ पर आपको टेप ज़रूर आपको यूज़ करना है, नहीं तो फिर से वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लग जाएगा। तो हमने अच्छी तरह से यहाँ पर टेप लगा देंगे। तो फिर भी और जो दूसरा जो वायर है वो वायर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर दिखा जा रहा है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर टेप कर देंगे, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये बार बार ओपन करना ठीक नहीं होगा। तो फिर हमने यहाँ पर दोनों जो वायर में हमने थोड़ा थोड़ा करके टेप लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने ओपन किया है, तो यहाँ पर जो बियरिंग लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो यह इस बियरिंग में थोड़ा सा लुब्रिकेंट ऑयल आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर बियरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ साल जाने के बाद यहाँ पर बियरिंग में कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हीट जनरेट होगा और यह बियरिंग ख़राब हो जाएगा। तो आपको नया बियरिंग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ओपन किया है, तो इसलिए लुब्रिकेंट ऑयल स्क्रू ड्राइवर से धीरे धीरे करके यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। तो अभी फिर से हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, हमारा लुब्रिकेंट ऑयल यहाँ पर लग गया है। ज़्यादा नहीं है देना है, ज़्यादा यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल देंगे तो फिर से यहाँ पर जो रोटर है रोटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर जो ब्रश लगा हुआ है यहाँ पर चला जाएगा, तो इससे दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही यहाँ पर दीजिए, जो यहाँ पर आपके बियरिंग ख़राब नहीं होगा उसी हिसाब से आप दीजिए। तो यहाँ पर जो हमने कनेक्शन ओपन किया था इस स्विच से, हम लोग वो स्विच फिर से हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट दीजिएगा, थोड़ा सा लूज रहेगा तो वो भी बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कनेक्शन वगैरह हमने यहाँ पर कर दिया है। अभी यहाँ पर जो चार स्क्रूप दिया गया है वो चार स्क्रूप यहाँ पर टाइट दे देंगे। तो अभी और एक बार आप लोगों को चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे ये ठीक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्विच देने के बाद भी यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो अभी हमारा जो ड्रिल मशीन का स्विच है वो स्विच दबा के आप लोग दिखाएंगे। तो फिर ऐसे करके आपके पास जो भी ड्रिल मशीन है वो आप देख लीजिए, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो नीचे का हिस्सा आप यहाँ पर ओपन कीजिए। यहाँ पर चार स्क्रू दिया गया है, तो चार स्क्रू ओपन करने के बाद ही यहाँ पर नीचे का हिस्सा ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ही आपके जो कनेक्शन वगैरह है यहाँ पर मिल जाएगा। और आपके मोटर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पूरी तरह ये सामने की साइड में यहाँ पर तीन स्क्रू दिया गया है, ये ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके आपको देखना पड़ेगा। और आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बियरिंग दिया गया है वहाँ पर थोड़ा सा आप लुब्रिकेंट ऑयल आप दे दीजिएगा, तो लॉन्ग टाइम के लिए और दिक्कत नहीं आएगा। और आपको एक अच्छा क्वालिटी का ड्रिल मशीन चाहिए जो घर में आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो ड्रिल मशीन का लिंक नीचे जो दिया गया है वहाँ पर जाकर वो प्राइस देख सकते हैं और उस लिंक से आप ले भी सकते हैं। तो यही छोटा सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे और भी मेरे चैनल को दबा दीजिए।